गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट इंश्योरेंस क्लेम। ये टॉपिक बीकॉम पार्ट फर्स्ट में, यूनिट नंबर फर्स्ट में इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक है, और यूनिट नंबर फर्स्ट में ही वॉइस अकाउंट का टॉपिक था जो अपनी लास्ट क्लास में हुआ था। लास्ट क्लास में मैंने आपको वॉइस कंप्लीट वॉइस अकाउंट के बारे में, अनकंप्लीट वॉइस अकाउंट के बारे में डिटेल से बताया था, और अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है इंश्योरेंस क्लेम। टॉपिक का नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में अपने दो ही टॉपिक है, एक तो वॉइस अकाउंट और एक इंश्योरेंस क्लेम। वॉइस अकाउंट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही आसान और इजी है, और इंश्योरेंस क्लेम का जो टॉपिक है वो तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए अपने को इस पर थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी होगी और थोड़ा दिमाग अधिक लगाना पड़ेगा। और इंश्योरेंस क्लेम वाला जो टॉपिक है वो यूनिट सेक्शन नंबर सी में, ए बी सी सेक्शन, आपको मैंने पहले वाली क्लासों में बताया था कि अपना जो पेपर है वो सेक्शन में आता है ए बी और सी। ए में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बी में जो क्वेश्चन आते हैं वो एट मार्क्स के होते हैं, और सेक्शन सी है उसमें 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें इंश्योरेंस क्लेम भी ये टॉपिक भी मोस्ट है, इसलिए अपने को बड़े क्वेश्चन के लिए इसको तैयार करना है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट स्टूडेंट अपने को ये पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस होता क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनियां क्या काम करती है, ये थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो अकाउंट वे में होता है, बट नॉर्मली जानकारी अपने को आनी चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनियां क्या होती है। जैसे ही मैं इंश्योरेंस का नाम बोलता हूँ नॉर्मली सबके माइंड में आता है कि LIC लाइफ इंश्योरेंस, ये तो एटलीस्ट सभी ने सुना होगा नाम कि LIC। तो ये जो LIC है ये क्या है? इन्वेस्टमेंट फैक्टर है। LIC में एक इंश्योरेंस में LIC एक ऐसा पॉइंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर होता है, मीन्स इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, अपनी जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनियां टेकन कर लेती है, और उसके लिए आपसे वो प्रीमियम एनुअली कलेक्ट करती है। कहने का मतलब आपका जो रिस्क है वो रिस्क कौन ले लेती है? इंश्योरेंस कंपनियां ले लेती है, और उसके लिए आपसे कुछ वो पैसे चार्ज करती है, उसको आप प्रीमियम बोलते हो, एनुअली प्रीमियम पेमेंट करना होता है। और जिस टारगेट के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने पॉलिसी ली है वो यदि जिस रिस्क के लिए, सॉरी उद्देश्य क्या, रिस्क के लिए जो आपका रिस्क है उसके लिए आपने जो पॉलिसी ली है, इस प्रकार का रिस्क यदि होता है तो आपको पेमेंट मिलेगा, और ये रिस्क नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक बिजनेसमैन यही चाहता है कि इस प्रकार का रिस्क न हो, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ही माइनर होती है। अब आप कहोगे कि हम ये पॉलिसियाँ टेकन क्यों करते हैं, जब हम, क्योंकि जैसे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि बिजनेस में फायर से लॉस हो, बट उसके ये रिस्क बना रहता है कि बाय चांस यदि इस प्रकार की घटना घटती है तो करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है, इसलिए वो क्या करता है, कुछ माइनर पेमेंट करके, जिसको आप प्रीमियम बोलते हो, माइनर पेमेंट करके वो क्या करता है, अपना रिस्क कवर कर लेता है। इंश्योरेंस कंपनी से वो उस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, समझौता कर लेता है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ये गारंटी देती है कि इसे ड्यूरेशन में यदि कोई लॉस होता है तो उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी, इसके लिए आप उसको एनुअली पेमेंट करते रहना, ठीक है। तो इस प्रकार से इंश्योरेंस कंपनियों का काम क्या होता है, आपकी जो रिस्क है वो टेकन कर लेती है, उसके लिए आपसे वो पैसे लेती है, बट उस प्रकार की जो आपने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस टारगेट के लिए आपने पॉलिसी ली है, यदि वो होता है तो ही आपको पेमेंट मिलेगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओनली LIC ही एक ऐसा प्रीमियम है जिसमें आपको घटना जो घटती है या नहीं घटती है तो भी मिलेगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट फैक्टर LIC में होता है, और जो भी पॉलिसियाँ होती है जिस टारगेट के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस रिस्क के लिए ली है, वो रिस्क होता है तो आपको पेमेंट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा।
स्टूडेंट्स यदि समझ में नहीं आया तो फिर और समझाता हूँ आपको। जैसे अपने पास बाइक सभी के पास रहती है तो हम क्या करते हैं, एनुअली उसकी पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। कहने का मतलब एनुअली उसकी क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, और वो इंश्योरेंस के 1000-1200 रुपये हम एनुअली ये काम करते हैं। बट अपन ये नहीं चाहते कि हमारी बाइक चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए। हम ओनली रिस्क कवर करने के लिए कि बाई चांस से ऐसी घटना घटती है तो इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, पेमेंट करती है। अन्यथा जो हमने 1000 रुपये डिपॉजिट कराई है कंपनी में, वो अपने को रिटर्न नहीं मिलेंगे, सबको पता है। इसलिए ये जो LIC कंपनियां होती है इनके पास काफ़ी अधिक अमाउंट होता है, फंड होता है, क्योंकि इसके पास इस प्रकार की जैसे बाइक की इन्होंने 1,00,000 पॉलिसी कर रखी है और 1,000 रुपये वो एक पॉलिसी लेके लेते हैं तो करोड़ों रुपये का उनके पास फंड होता है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आप आजकल जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हर फील्ड में काम कर रही है और हर फील्ड का वो क्या करती है, इंश्योरेंस करती है। इसलिए उनके पास बहुत अधिक फंड है, वो भारत सरकार को भी क्या करती है, लोन प्रोवाइड करवाती है। तो आप समझ गए हो कि इंश्योरेंस कंपनियों का सेक्टर है वो बहुत अधिक बड़ा है। इसलिए इसमें क्लेम किस प्रकार से किया जाए ये भी अपने को पता होना चाहिए। अपन अकाउंट पढ़ते हैं इसलिए अपने को उसका क्लेम कैलकुलेट करना आना चाहिए। अन्यथा हम क्या करते हैं, किसी के जैसे फायर से लॉस हो गया तो नॉर्मली बताते हैं 2,00,000 का है लॉस, 5,00,000 का है। बट यदि जिस पर्सन के ये लॉस हुआ है वो पर्सन क्या करता है, वो पर्सन वो कैलकुलेट करके फिर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करता है। देखिए इंश्योरेंस कंपनियां डायरेक्ट ये नहीं है कि आपने कहा और उसने आपको क्लेम का पेमेंट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो पॉलिसियां कर लेती है और उस प्रकार की यदि घटना घटती है ना तो पूरी वेरीफिकेशन करती है, उनके पास पूरे एक्सपर्ट होते हैं, वो पूरी वेरीफाई करने के बाद आप जो क्लेम करते हो फिर उसको वो उनके एक्सपर्ट क्या करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद वो कितनी अमाउंट पेमेंट करते हैं वो इंश्योरेंस कंपनियां फिक्स करेगी। ठीक है, अपने को क्या होता है, क्लेम करना होता है, उसके बाद वो पूरी जांच पड़ताल करती है, उसके बाद ये काम करती है। जैसे इंश्योरेंस कंपनियां मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन कर रखी है और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ का उसने पॉलिसी ले रखी है और इस दौरान यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है फायर से तो वो क्लेम कर सकता है, क्लेम करेगा। क्लेम करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी पूरी वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद वो क्लेम, जैसे बिजनेसमैन ने 1 करोड़ का क्लेम किया है तो ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनियां 1 करोड़ का पेमेंट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। वो क्या करेगी, वेरिफिकेशन करके और उससे जो आप क्लेम करते हो उससे कुछ कम ही पेमेंट करती है। कहने का मतलब फाइनल डिसीजन इंश्योरेंस कंपनियों का होता है, जब हम पॉलिसी टेकन करते हैं तो ही वो पहले से ही क्लियर कर दी जाती है कि फाइनल डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी का रहेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो चेक करके बता देते हैं कि एक्चुअल में लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, फ्रॉड में भी कभी कभी क्लेम किए जाते हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियाँ क्या करती है, यदि फ्रॉड में यदि कोई क्लेम करता है तो इंश्योरेंस कंपनियां उसके ऊपर FIR भी कर सकती है। इसलिए जो भी बिजनेसमैन यदि उसे इस प्रकार की कोई घटना घटती है या लॉस होता है तो उसके लिए वो क्या करती है, उसके लिए वो एक्सपर्ट के द्वारा क्लेम की अमाउंट चेक करवाती है, क्लेम कितना करना है इसके लिए वो एक्सपर्ट एडवाइस देती है, बाकायदा कैलकुलेशन करवाती है, उसके बाद वो क्या करती है, क्लेम करती है इंश्योरेंस कंपनी में। तो स्टूडेंट्स अपने को इस टॉपिक में क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी पर कि लॉस एक्चुअल में हुआ कितना है। अब अपने जो मेन टॉपिक है इसमें फायर इंश्योरेंस में, उस फायर इंश्योरेंस का है, तो इंश्योरेंस वाला जो टॉपिक है अपना इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम में पॉलिसियाँ काफ़ी अधिक है। बट अपने यहाँ फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसियाँ दी गई है तो हम फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक ही इसमें बात करेंगे कि बिजनेसमैन से फायर इंश्योरेंस से कितना लॉस होता है, किस प्रकार से क्लेम किया जाता है। अब आप, मैं आगे बताऊँ उससे पहले आपको बताना है कि एक बिजनेसमैन के फायर से यदि लॉस होता है, एक बिजनेसमैन के गोडाउन में फायर से यदि लॉस होता है तो क्या लॉस होगा, क्या नुकसान होगा। अब देखो अपनी ऑनलाइन क्लासे है इसलिए मैं डायरेक्ट आपसे पूछ भी नहीं सकता,
ऑफलाइन होती तो आपसे पूछता। अब मैं ही आपके आंसर मैं ही बताता हूँ आपको। एक दो आप ये बताओ, एक क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मीन्स गोडाउन में जिससे मैं फायर से लॉस हुआ उस टाइम गोडाउन में जो गुड्स रखा हुआ था वो उसका नुकसान होगा। तो जो एट ए टाइम वहाँ जो गुड्स रखा होता है उसको आप क्या बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब उस तारीख को उस डेट को जिस समय फायर से लॉस हुआ उस समय आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक था, गुड्स था, वो वहाँ पर नष्ट हो चुका है, उसका लॉस हो चुका है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा और नुकसान क्या हो सकता है। अब आप कहोगे और सर वो बिल्डिंग थी वो डिमेज होगी, ठीक है, तो बिल्डिंग कहीं डिमेज होगी बिल्कुल, वहाँ फर्नीचर लगा था वो पूरा ही जल चुका है, कंप्यूटर लगे थे, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, मशीनरी लगी हुई थी, ये सभी का भी वहाँ नुकसान होगा, ठीक है। तो ये अपना एक मेथड ये भी बनेगा। और क्या नुकसान हो सकता है ये बताइए। दो पॉइंट तो लगभग मैं क्लासों में बताता हूँ, तो दो ये जो लॉस है ये तो सभी बता देते हैं कि सर वहाँ जो गुड्स रखा हुआ था उसका लॉस होगा, और दूसरा हमारे जो फिक्स असेट्स है जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इनका लॉस होगा। बट एक नुकसान और होगा वो बहुत कम बच्चे ही बता पाते हैं, तो वो नुकसान है प्रॉफिट का लॉस होगा। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट का कैसे लॉस होगा, प्रॉफिट वहाँ कोई जला थोड़ी है, पर उसमें भी प्रॉफिट का लॉस होता है। जैसे सपोज करिए आप गोडाउन में 31 दिसंबर को डेट ऑफ फायर दी हुई है, तो 1 जनवरी को जाकर बिजनेसमैन वहाँ व्यापार कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि 31 दिसंबर को उसके गोडाउन में उसके शॉप पर फायर से लॉस हो चुका है और उसका गोडाउन शॉप है वो जलकर राख हो चुके हैं। इसलिए 1 जनवरी को जाकर वो अपना व्यापार नहीं कर सकता है, और उसको वापस मेंटेन करने में टाइम लगेगा, 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। इसको बोलते हैं जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं कंपनसेशन पीरियड। तो ये कंपनसेशन पीरियड 1 महीने, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मैक्सिमम 12 मंथ तक रह सकता है। तो जैसे आपने 3 महीने तक बिजनेस नहीं किया तो इससे क्या हुआ, आपकी सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट नहीं होगा। सबको पता है प्रॉफिट कहाँ से होता है, सेल करते हो उससे होता है। तो आपने आपका बिजनेस 3 मंथ डिस्टर्ब रहा, वहाँ वैसा स्ट्रक्चर था ही नहीं, इसलिए आप बिजनेस नहीं कर पाए तो आपकी सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट का लॉस हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने 3 लॉस होते हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक का होता है, फर्स्ट लॉस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सेकंड लॉस होगा वो फिक्स असेट्स का डिमेज होगी उसका होगा, और थर्ड है वो क्लोज उसका ग्रोस प्रॉफिट का लॉस होगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के लॉस हो सकते हैं। तो अब 3 प्रकार के जो लॉस है वो ही अपने 3 मेथड है। तो इस जो क्लेम काउंट करने के लिए अपने पास 3 मेथड है, तो 3 मेथड के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 3 मेथड कौन कौन से हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। पर नॉर्मली अपनी बात ये चल रही है कि इंश्योरेंस कंपनियाँ क्या काम करती है, इंश्योरेंस कंपनी, ये नॉर्मली जानकारी आपको आनी चाहिए। फायर से यदि लॉस होता है तो किस प्रकार का लॉस होता है ये जानकारी होनी चाहिए। अपने को इस चैप्टर में करना क्या है, अपने को क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी में। अपन एक बिजनेसमैन के अकाउंटेंट है, अपने को बिजनेसमैन को ये कैलकुलेट करके बताना है कि अपना क्लेम कितना है इंश्योरेंस कंपनी को करना है। कहने का मतलब अभी आपको मैंने बताया है कि जो क्लेम है वो करेक्ट अमाउंट बतानी होगी, एस्टिमेटेड नहीं चलेगा, क्योंकि यदि हमने फ्रॉड किया है तो इंश्योरेंस कंपनी अपने पर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए फेयर वे में अपने को काम करना होगा। कहने का मतलब अकाउंट के नियमों के आधार पर अपने को बेस बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतने क्लोजिंग स्टॉक था जो जल गया है, ये हमारा परचेज किया हुआ था, ये सेल किया हुआ था। ये एक मेथड आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कहने का मतलब अकाउंट के अकॉर्डिंग पूरे उसको सबूत देते हुए अपने को बताना होगा कि ये लॉस हुआ है। तो इस प्रकार से अपन मेथड से अपन की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस चैप्टर में आप थीम समझ गए होंगे, आप एक बिजनेसमैन के अकाउंटेंट हो और बिजनेसमैन के फायर से लॉस हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है, क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करके बिजनेसमैन को बतानी है। फिर बिजनेसमैन क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करेगा कि मेरे को जिस पॉलिसी के टारगेट से मैंने पॉलिसी ली थी उसके लिए ये इतने अमाउंट का क्लेम है।
फिर उसके बाद का काम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का है, उनके एक्सपर्ट आके वेरिफिकेशन करेंगे, वो चेक करेंगे कि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन कौन कौन सी मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।